व्हाट्स अप माय डू फैमिली, मैं हूं आपका होस्ट विक्की। और गाइस स्वागत है आप सबका फिर से बुल्ली एनिवर्सरी एडिशन में। तो गाइस जैसा कि आपने प्रीवियस मिशन में देखा था, गाइस अपन ने पिंकी को मतलब सिनेमा हॉल की टिकट कबाड़ के दी थी। तो गाइस वो मिशन अपना वहां कंप्लीट हो गया था। और गाइस उसके बाद मैंने कोई मिशन नहीं किया, मतलब कोई गेम प्ले भी अपलोड नहीं किया था, एक गैंगस्टर वेगस का अपलोड किया था। और गाइस जैसा कि आपको पता है अभी गाइस बहुत ज़्यादा बिजी है, मतलब एग्जाम आने वाले, तो गाइस मेरा पूरा फोकस स्टडी पे होने वाला है। गेमिंग को मैंने एक बार के लिए मतलब आप ऐसे मानो क्विट कर लिया है, मतलब गाइस यूट्यूब और गेमिंग को थोड़ा कम करेंगे, यह सब तो बाद में होता रहेगा क्योंकि गाइस अपने पास बहुत सारा टाइम है। तो गाइस अभी अपन अपना पढ़ाई पर थोड़ा फोकस करेंगे। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हो बीच बीच में एक दो वीडियो डालते रहेंगे। तो गाइस जैसा कि आपको पता है यहाँ पर अपन ने 1 मिलियन बॉक्सिंग चैलेंज किया था, वहीं पर अपन वापस आ चुके हैं। और गाइस अब देखते हैं अपना मिशन क्या होने वाला है। तो गाइस मिशन का नेम है द एग्स। और गाइस जैसा कि आपको पता है अपने को करना है अंडों का बिजनेस। वैसे गाइस मैं एकदम प्योर वेजिटेरियन हूँ, ना कि मुझे अंडे पसंद है ना कुछ और, बट अभी अपन को मिशन तो करना पड़ेगा ना। तो गाइस और वैसे आप देख सकते हो मैंने अपने लुक को थोड़ा चेंज किया, जो गाइस जी एक वाली टी शर्ट पहनी है ना, ये गाइस इस एकेडमी में अनिवार्य है, मतलब मस्ट है एकदम, आप बोल सकते हो। क्यों गाइस जो ये बॉक्सिंग चैलेंज है यहाँ पर यही वाली टी शर्ट चलती है, मतलब ये हाई स्कूल के वो क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स है, तो अपने को इनकी यूनिफॉर्म पहनी। और गाइस मैंने चश्मा लगा लिया एकदम गैंगस्टर टाइप का। वैसे गाइस मैं ड्रेस को चेंज करूंगा क्योंकि गाइस मुझे वो अपनी पुराने वाली ड्रेस ही अच्छी लगती है, इस ड्रेस में पता नहीं क्यों एकदम बेकार से लगता है। और वैसे गाइस आपको पता है ये गेम बहुत ज़्यादा पुराना है, तो मतलब इसके ग्राफिक्स उतने अच्छे लेवल के नहीं है, बट गाइस क्या कर सकते हैं, अभी अपने पास कोई और ऑप्शन नहीं है खेलने का। वैसे गाइस बस 2-3 महीनों बाद अपन गाइस एक बढ़िया सी सीरीज स्टार्ट करेंगे। गाइस मैं सोच रहा हूँ पीसी गेम प्ले स्टार्ट करेंगे, मतलब वैसे पीसी का जुगाड़ कहीं से लगा लेंगे, आप टेंशन मतलब वहाँ से फिर गाइस अपन करेंगे शानदार मतलब लाइव स्ट्रीम। तो कोई नहीं गाइस जैसा कि आप देख सकते हो इनसे बात हो चुकी है। और गाइस बातों ही बातों में पता चल गया है ओल्ड हेल मतलब जो क्या हैट्रिक नाम था ना अपने मैथ वाले टीचर्स का, तो गाइस ये कह रहे अपन उससे पंगा लेंगे। और गाइस उनसे पंगा क्या लेंगे, उनके घर पर या उन पर अंडे फेंकेंगे। वैसे मुझे नहीं पता ये कौन सा सिस्टम है अंडे फेंकने वाला, बट गाइस ये कह रहा है भाई पहले तुम जाओ अंडे वाई करो, मेरे घर पर आओ, उसके बाद गाइज अपन ये सब करेंगे। तो गाइज जैसा कि आप देख सकते हो अपन आ चुके हैं यम मार्केट में। और वैसे गाइज यहाँ से कुछ चॉकलेट वगैरह भी ले लेते हैं, आपको पता है चॉकलेट वगैरह अपने कभी काम आएगी, बट अभी अपना मेन टारगेट है अंडे लेना। और गाइज वैसे अंडे लेना यार मैं कभी लेता वेता तो नहीं हूँ, बट गाइज मैंने जैसा कि आप देख सकते हो अंडे बाय कर लिए हैं। और गाइज अब अपन एक्स लेके जाने वाले हैं, उसका जो क्या नेम था उसका पता नहीं, वो हाई स्कूल का जो मेन स्टूडेंट था उसके घर जाएंगे। और गाइज उसके टेड शायद उसका नेम टेड ऐसा सा कुछ था, तो गाइज अपन उसके घर जाएंगे, वहाँ से गाइज अपना आगे का प्लान है वो देखा जाएगा। तो कोई नहीं गाइज सीधा मैं आपको उसी के घर पर ले चलता हूँ। तो गाइज जैसा कि आप देख सकते हो फाइनली मैं उसके घर पर पहुंच गया हूँ। वैसे गाइज ये उसका घर है या हॉस्टल वो मुझे नहीं पता, बट मैं फाइनली यहाँ पहुंच चुका हूँ। और गाइज क्या दरवाजा खुला, मतलब एकदम शानदार वाली एंट्री हो चुकी है, साथ में गाइज यहाँ पर एक कार भी खड़ी है लेके चले गया, बट गाइज जिसमें कार नहीं चला सकते पता नहीं क्यों अभी तक। तो गाइज जैसा कि आप देख सकते हो वो टेड और उसके दोस्त वगैरह खड़े हैं। तो गाइज जैसा कि आप देख सकते हो अपन ने इसको एक्स ला के दे दिया। और गाइज ये कह रहा है कि भाई न्याल सा कर दिया, मतलब मजे आ गए, बट कोई नहीं गाइज देखते हैं। और गाइज ये कह रहा है भाई तुमने मुझे इनब्रेड कहा था। और गाइज ये देखो इनकी फालतू में वही वाली पंगे वापस लड़ाई स्टार्ट कर दी, मतलब इन्हें समझ क्यों नहीं आता गाइज अपन से पंगा लेना इनके बस की बात नहीं है, बट गाइज पता नहीं इन्हें वापस से पंगा लेना। और गाइज ये कह रही है, मतलब ये कह रहा है अपनी कोई फैमिली बिजनेस के बारे में बता रहा है, मतलब फैमिली बिजनेस नहीं अपने फैमिली के जो पंगे चलते रहते ना घर क्लेश गाइज उसके बारे में बता रहा है। वैसे गाइज इसे बताना होगा कि हमारे रेलवे के, वैसे रेलवे को बदनाम नहीं करूंगा, बट साइड में आपको दीवारों पर लिखा हुआ मिलेगा ग्रह क्लेश से मुक्ति पाए नंबर डायल करें वो फलाना ढिमकाना जो भी है। तो गाइज अपन और गाइज ये देखो गेरी आ चुका है, वैसे आपने देख लिया इसकी बातचीत भी सुन ली होगी। और तो गाइज जैसा कि आपको बताइए टेड को भड़का रहा है कि भाई मैंने टेड के बारे में गंदा उलट सुलट बोल दिया है, बट कोई नहीं गाइज अब ये टेड अपन से पंगा लेगा। तो गाइज फाइंड ए वे आउट ऑफ टेड्स यार्ड। और गाइज ये टेड का यार्ड है, वैसे इसका नेम है टेड। वैसे गाइज आपको पता है TOD टोड क्या होता है, जो कि गाइज मेंढक की एक प्रजाति होती है, मेंढक को ही बोलते हैं अपन टोड, बट कोई नहीं गाइज अभी देखो इसके मतलब जितने भी ये पंटर लोग हैं पहले इन पंटर लोग को कंप्लीट करते हैं। और गाइज उसके बाद अपन इसके जो ये गार्डन वगैरह जो भी है यहाँ से निकलने रास्ता फाइंड करेंगे। और गाइस यहां से अपन निकलने वाले हैं, इन्हें भी तो पता चलना चाहिए क्यों गाइस देखो एक तो ये गैरी ने परेशान कर रखा है, आपको बता ना गाइस अपन ने एक दिन गैरी के मतलब गैरी ने अपने को फंसा कर उस मोटे के साथ फाइट करवाई थी गेंडे के साथ, हालांकि वो फाइट अपन ने जीत ली थी, बट गाइस वो तो मैं था तब जीत गया, मतलब बाकी होते तो कोई मारे जाते, बट और गाइस कार नहीं चला सकते, बट कोई नहीं क्या मैटर करता है। और गाइस ये देखो ये यहां पे क्या है, चारों
40 पता नहीं गाइस केजी का कुछ डब्बा वगैरह मिला है, बट कोई नहीं। और गाइस ये देखो ये यहाँ पर क्या कर रहा है, और गाइस ये देखो रिट्रीव द गेट की। और गाइस जैसा कि आप देख सकते हो इसने गेट पर ताला लगा दिया, और गाइस अपने को कूटने के लिए ताला लगाया। अबे तुम्हें कौन बचाएगा नल्लो, मुझे क्या घंटा कूटोगे। बट कोई नहीं गाइस, अब ये अपन से ये पंगा ले रहे हैं, तो गाइस इन्हें पता चलना चाहिए ना कि अपन से पंगा लेने का परिणाम क्या होता है, फाइनल रिजल्ट क्या निकलता है। ये गाइस सोच रहे हैं इनकी संख्या ज्यादा। और गाइस मुन्ना झुंड में तो सुअर आते हैं, शेर अकेला ही आता है। और गाइस इसका हाथ लॉक कर दिया है, वैसे आप मान सकते हो ब्लॉक क्या तोड़ दिया है। और गाइस जैसा कि आप देख सकते हो फाइनली मुझको की और मिल चुकी है। और गाइस ये देखो दरवाजा खुल गया, भाई साहब एक की लगाई नहीं उससे पहले दरवाजा खुल गया। तो गाइस अपना मिशन कंप्लीट हो चुका है। और गाइस एक सार अवेलेबल इन योर रूम। और गाइस जैसा कि आप देख सकते हो अब अंडे अपने रूम पर अवेलेबल हो जाएंगे। मतलब गाइज आपको पता है अपने रूम पर अपने को वो जो एक एसिड वाला बूम मिलता था, फायर क्रैकर्स मिलते थे, साथ में गाइज वो स्टिक पाउडर मिलता था। और गाइज अब एक्स भी अपने को वहाँ पर मिल जाएंगे। बट गाइज मैं इनका यूज़ नहीं लेता हूँ क्योंकि गाइज मुझे इतना उपयोगी नहीं लगते हैं, बात सच्ची बताऊँ तो। अपन मुक्के मुक्के से दे मारते हैं किसी को। तो गाइज आज का अपना मिशन यही खत्म होता है। आपको गेम प्ले कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। गाइज वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और कर देना, और गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम। And I hope you let me in, yeah.